तो दोस्तों प्याज और टमाटर ना अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और अब ये देखिए इसके अंदर ना भैया छोले डाल रहे हैं, देख रहे हो। तो ये सारी चीज़ें डाल के ना भैया ने चावल को अच्छे से मिक्स करना है और एक जो मैं कह सकता हूँ थोड़ा डिफरेंट लेवल का ये एक राइस जो है प्लेट बना दिया है। तड़का लगाया जाता है, देख रहे हो बोल बोल के ना फंबल भी होना शुरू हो गया क्योंकि मुंह में ना पानी आ रहा है देख के। तो लो जी दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और आज ना जैसे कि आपको पता है कि मैं ट्राई सिटी कवर कर रहा हूँ, है ना, घूम रहा हूँ, मतलब ट्राई सिटी में अलग अलग जगह। तो आज हम आ गए हैं सेक्टर 11 पंचकुला में और यहाँ पे ना आप मेरे पीछे भीड़ देख सकते हो। एक बार मैं भीड़ दिखाता हूँ आपको, ये देखो जरा भीड़ देख रहे हो यहाँ पे दोस्तों, इतनी ज़बरदस्त भीड़ लगी हुई है ना, मेरे देख के ना मन कर गया यहाँ रुकने का। और यहाँ पे ना एक बहुत ही यूनिक से आइटम मिल रहे हैं। देखिए राजमा चावल तो हर जगह आपने खाए होंगे मगर यहाँ जो राजमा चावल मिल रहे हैं ना विद अ ट्विस्ट मिल रहे हैं। यहाँ दोस्तों जो चावल है ना उसको पहले तड़का लगाया जाता है प्याज टमाटर मसाले डाल के ना, तड़का लगाया जाता है देख रहे हो बोल बोल के ना फंबल भी होना शुरू हो गया क्योंकि मुँह में ना पानी आ रहा है देख के। तो देखिए वो लगाया जाता है, उसके ऊपर से राजमा सर्व किए जाते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा फेमस पंचकुला के जो छोले कुलचे हैं ना वो भी सर्व किए जाते हैं। तो आइए भैया यहाँ पे बना रहे हैं, भैया से बात करते हैं और देखते हैं किस तरीके से बनाते हैं और टेस्ट करके देखेंगे किस तरीके का है उसका स्वाद, है ना, आ जाओ। तो ये देखिए दोस्तों ये लगने जा रहा है हमारा तड़के वाले चावल, ये गया प्याज और उसके ऊपर से डाला है भैया ने ऑयल, रिफाइंड ऑयल, ये गए मिर्च, हरी मिर्च और ये आ गए टमाटर। तो इनको अच्छे से ना अभी हल्के से फ्राई किया जाएगा इस तेल के साथ ना। और यहाँ पर लग रहे हैं दोस्तों देखिए छोले, ये गए सबसे पहले भैया ने लिए हैं छोले, छोले राजमा चावल तीनों मिक्स हैं, क्या बात है। तो तीनों जो है दोस्तों मिक्स बना रहे हैं भैया, छोले और राजमा के साथ चावल जो है वो मिक्स करके बना रहे हैं। तो छोले ले लिए और देख सकते हो दोस्तों ये जो छोले हैं ना वो पतीले जो हमारी बर्तन है पीतल का उसके अंदर रखे जाते हैं। उसमें डाला सबसे पहले मसाले, कुछ लाल मिर्च, गर्म मसाला और नमक, क्या बात है। ये आ गई दोस्तों इसके ऊपर कुटी हुई लाल मिर्च, गर्म मसाला और नमक। पानी की बोतल है क्या? है और ये डाल दिए सारे के सारे छोले ना तवे के ऊपर, आप देख सकते हो। ओहो ये आगे ऊपर से पनीर और साथ ही साथ इसमें डाला गया दोस्तों राइस। तो आपने दोस्तों इस तरीके की राइस कहीं खाई है छोलों के साथ, है ना, मज़ेदार वाली राइस। देखिए तवे के ऊपर बनाई जा रही है गर्मा गर्म और इसको एक तरीके से देखिए पुलाव तो नहीं कह सकते, है ना। और ये आ गई दोस्तों राजमा, वाह जी वाह। तो ये सारी चीज़ें डाल के ना भैया ने चावल को अच्छे से मिक्स करना है और एक जो मैं कह सकता हूँ थोड़ा डिफरेंट लेवल का ये एक राइस जो है प्लेट बना दिया है, बिल्कुल यूनिक सा, बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अलग। भैया अपना नाम बताइएगा सबसे पहले। विनोद जी। विनोद, क्या बात है भैया, तो कब से लगा रहे हो ये स्टॉल यहाँ पे? हो गए जी 20-25 साल। 20-25 साल, क्या बात है दोस्तों, 20-25 साल से यहाँ पे लगा रहे हैं। और इसी तरीके से मतलब ये दो छोले कुलचे हो गए और ये जो राइस है वो सर्व करते हो आप यहाँ। क्या प्राइसिंग होती है इसकी? 50 रुपये की प्लेट है ये चावल। और जो छोले हैं, जो छोले और कुलचे वो भी पचास के हैं, क्या बात है दोस्तों। 50 रुपये में आपको दोनों आइटमें खाने को मिलेंगी। और टाइमिंग क्या है आपके यहाँ पे? 10 से 4 साढ़े 4 के बीच में मिलते हैं आप। तो डेली लगाते हैं किस दिन छुट्टी भी रखते हैं? डेली लगाते हैं। डेली, क्या बात है, तो डेली लगता है। और जो इसकी खुशबू आ रही है ना जैसे जैसे ये खत्म होते जा रहा है, मैं देख रहा हूँ वहाँ पे ना प्लेट्स लगती जा रही है, तो हमारे लिए भी एक प्लेट बचा के रखना, ठीक है, हम भी टेस्ट करेंगे। और दोस्तों आपने ट्राई सिटी में ऐसी आइटम अब अगर खाई है ना कभी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नहीं खाई ना तो पंचकुला 11 सेक्टर आ जाइए, भैया से मिलिए और ये चीज़ ज़रूर ट्राई करके हमें बताइए कैसे लगी, है ना। और ये देखो ये पूरा फिनिश होने वाला दोस्तों, ऑलमोस्ट फिनिश्ड है, हम लास्ट में आए हैं बिल्कुल। तो भैया के पास थोड़ा सा ना एक तो रश बहुत ज़्यादा है, कस्टमर बहुत ज़्यादा है, तो भैया भी लगे हुए हैं धड़ाधड़, तो इनको ज़्यादा तंग नहीं करेंगे और टेस्ट करके देखते हैं कैसा है ना। तो लो जी दोस्तों लास्ट में ना हमारा एक ऑर्डर बचा के हमने रखवा लिया क्योंकि आप देख सकते हो तवा ख़त्म और हमारा जो ये सारा का सारा जो इनकी राइस है ना वो भी ख़त्म हो चुकी है। बड़े मज़ेदार था दोस्तों ये जो एक्सपीरियंस था ना मुझे, क्योंकि इतनी रश मैंने आज से पहले मतलब ट्राई सिटी में तो मेरे को कम ही देखने को मिलती है इस तरीके का रश कहीं भी, है ना। तो ये देखिए ये प्लेट हमने लगवा लिया है, ये देखिए अच्छे से दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल मसालेदार चावल लग रहे हैं दोस्तों। ऊपर से भैया ने दिए हमें मिर्च का अचार जो कि फ्राई नहीं किया होता मिर्च वो, और हल्का सा ना मसाला लगा हुआ है, साथ ही साथ दिया है नींबू, है ना, और प्याज वगैरह ऊपर से डालने की जरूरत नहीं है दोस्तों क्योंकि प्याज तो इसमें तड़के में ही लगा हुआ है ना। तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके देख के। अब देखिए वहाँ पर ना कुलचे भैया हल्के से फ्राई कर रहे हैं, तो इसको टेस्ट लेते हैं और देखते हैं किस तरीके का। ओहो भाई राजमा छोले और पनीर तीनों चीज़ें डाली गई हैं इसके अंदर, तो जो फ्लेवर है ना वो तो मज़ेदार होने ही वाला है ना। गरम है अभी अभी तवे से निकला है, बिल्कुल गर्मा गर्म।
देख रहा हूँ मेरे चेहरे पे ना एक मुस्कान आ रही है, क्यों? क्योंकि ना स्ट्रीट फूड में ऐसी चीज़ें खाने को मिलती है ना तो मज़ा आ जाता है। जिसमें ना इसमें क्या खास बात है मैं बताता हूँ आपको। देखिए नॉर्मल चावल में आप राजमा या फिर छोले डालेंगे ना वो खाएंगे वो अच्छा तो लगेगा, मगर इसमें क्या खास बात है ना, जो छोले कुलचे वाली जो चटनी होती है ना, बेसिकली जो इमली का पानी होता है वो डाला गया इसके अंदर, उसकी वजह से ना इसके अंदर खटास भी आ रही है, मिर्च डाली गई है तो तीखी भी है ना, तो काफ़ी चटपटी सी आइटम है दोस्तों, मज़ेदार। मिर्च का तीखापन, मज़ेदार। दोस्तों आइए आपको ना छोले कुलचे भी दिखाता हूँ, ये भी लग रहा है, थोड़ा सा मैनेज कर लिएगा दोस्तों क्योंकि भीड़ ना बहुत ज़्यादा। अब ये देखिए यहाँ पे ना छोले लगने लगे कुलचे वाले, तो वही प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम होता है जिसमें कि भैया ने देखिए तवे के ऊपर ना प्याज डाला है, टमाटर डाला है तेल के अंदर और हरी मिर्च, तो इसको अच्छे से फ्राई किया जाएगा और इसको ना फिर छोले डाल के अच्छे से मिक्स किया जाएगा और जो छोले हैं वो तैयार किए जाएंगे। आमतौर पर आपने देखा होगा कि छोले जो होते हैं ना उसमें डाल के कच्चा प्याज और टमाटर डाल के बनाया जाता है, मगर यहाँ पे ना इसको अच्छे से पकाने के बाद बनाया जा रहा है और साथ ही साथ हम अपनी जो ये चावल की प्लेट है वो तो टेस्ट कर ही रहे ना। अब इसके ऊपर से ना मैं डालता हूँ नींबू, है ना। अच्छा जीरकपुर से भी आते हैं, क्या बात है, जीरकपुर से हम भी आए हैं। मैं भी जीरकपुर से, मैं वहीं रहता हूँ, जयपुर रोड से आते हैं कई बंदे यहाँ पर खाने वास्ते स्पेशली, है ना। देख रहे हो दोस्तों भीड़ देख के मुझे अंदाज़ा लग रहा है कि यहाँ पे इतना रश है, मतलब काफ़ी अच्छा फ्लेवर है। एक तो मैंने भी ट्राई किया, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। आप भी यहाँ ट्राई करते रहते हैं? हम आते रहते हैं रेगुलर। क्या ट्राई करते हैं इनमें से? छोले और छोले, अगर राजमा छोले पर। अच्छा बहुत टेस्टी बनते हैं। हाँ नहीं वो तो अब मेरे को भी पता लग गया और मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ हर लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं अपना अपना खाना, तो चलिए दोस्तों ये देखते हैं किस तरीके से छोले लगा रहे हैं और उसको भी एक बार टेस्ट करके देखें किस तरीके का उसका स्वाद है ना, क्योंकि जो कुलचे के साथ जब उसको खाएंगे ना हम तो उसका जो फ्लेवर है वो डिफरेंट हो जाएगा, चावल का तो खैर डिफरेंट है ही। तो इसको फिनिश कर लेते हैं और फिर बढ़ते हैं अपने छोले कुलचे की तरफ। ये देखिए दोस्तों ये लिए जा रहे हैं छोले, ये देखो, और भैया का जो ये छोले रखे हैं ना ये ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके हैं क्योंकि आफ्टरनून का टाइम है, 3 बजने लगे हैं, तो खाना जो है ना वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा है इनके पास। तो ये देखो ये सारे छोले ले लिए भैया ने और उसके बाद ये जाएंगे सारे के सारे इस प्याज के अंदर, तो इसमें पहले डालेंगे हल्के से मसाले और उसके बाद ये जाएंगे प्याज में। फिर देखिए दोस्तों ये आ गए मसाले, फिर गई लाल मिर्च कुटी हुई, कुटी हुई लाल मिर्च, इनका मसाला, ये देखिए ये गया इनका गरम मसाला, ये गया नमक, ये चीज़ें गई इसके अंदर और अब यह आ गया दोस्तों इमली का पानी जिसकी मैं बात कर रहा था ना, खटास जिसकी आ रही है चावल के अंदर वो इमली का पानी। तो दोस्तों प्याज और टमाटर ना अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और अब ये देखिए इसके अंदर ना भैया छोले डाल रहे हैं, देख रहे हो, ये देखो थोड़ा सा और इमली का पानी डाल रहे हैं उसमें अच्छे से मिक्स करके, फिर ये सारा का सारी जो चीज़ें हैं ना वो आ रही है तवे के ऊपर। यह आ गया दोस्तों ऊपर से पनीर। जो प्रोसीजर जो है ना, जो प्रोसेस है दोस्तों, चावल और छोलों का ऑलमोस्ट सेम है मगर जो फ्लेवर है ना छोलों का, क्योंकि अपना खुद का स्वाद होता है तो वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। तो देख सकते हो दोस्तों हमारे जो छोले हैं ना वो भी रेडी हैं, ये दूसरे छोले नहीं है, सूखे वाले जो छोले होते हैं ना आमतौर में मिलते हैं आपको ट्राई सिटी में कहीं भी मिल जाएंगे, ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप के हैं। तो भैया कितनी प्लेट सेल होती होंगी अगर एक दिन की बात की जाए, कोई आइडिया बताइए? 150 के करीब। क्या बात है दोस्तों 150 के करीब प्लेट सेल होती है यहाँ पे और होती भी होंगे दोस्तों, क्योंकि मैं अभी 15 मिनट के अंदर ही देख रहा हूँ यहाँ पे ना कम से कम 25-30 लोग यहाँ खड़े थे, है ना। तो ये देखिए भैया की स्पीड चेक करो और धड़ाधड़ जो है ना वो कटोरियाँ लग रही है वहाँ पे और वो सारे के सारे जो छोले हैं वो पैक हो रहे हैं। तो भैया हमारे को भी एक दे दीजिएगा कुलचे के साथ, ठीक है। क्या है ना दोस्तों देखिए इसी तवे के ऊपर ना कुलचे भी सेके जाते हैं और छोले भी बनाए जाते हैं ना, तो पहले छोले भैया पैक कर लेते हैं और फिर कुलचे सेक सेक के साथ ही साथ सर्व कर देते हैं कटोरियों को। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए सेके जा रहे हैं कुलचे, ये देखो ये कुलचे भी दोस्तों लंबे वाले हैं, लो जी दोस्तों ये भी आ गए हमारे छोले कुलचे की प्लेट। वाह ये देखो गर्मा गर्म छोले बने और गर्मा गर्म ही हमारे जो कुलचे थे वो भी सेके गए। ये देखो ये प्लेट लगा दिए भैया ने जिसमें कि देखिए ये कटोरी के अंदर ना हमें छोले दिए हैं और साथ ही साथ यहाँ पे 2 पीस कुलचे हैं हमारे नीचे की तरफ, है ना। तो इसको ना पहले रख लेते हैं और रख के खाने में ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि एक हाथ से उठा के खाने में ना मज़ा नहीं आएगा, तो यहाँ पर हम छोले रख लेते हैं। ये देखो छोले थे कुलचे, है ना, ये ले लिए मैंने और अब टेस्ट करते हैं, है ना। आओ
तो साथ के साथ देखिए इसमें ना यहाँ पे मिर्च और नींबू तो भैया ने दिया ही है, ये देखो। तो पहले मैं लेता हूँ दोस्तों नींबू और ये डालते हैं हम इसके ऊपर से। अब आएगा ना छोले खाने का मज़ा, है ना। साइड में रखते हैं। ओए होए, पहले ना मैं हल्का सा ना छोला जो है वही टेस्ट करता हूँ, कुलचे के साथ हम बाद में करेंगे, है ना। ओ तड़के लगे हुए ना, तो जो मेन फ्लेवर्स आ रहे हैं ना वो अनियन का है, चटपटे मसालों का है और नींबू डालने की वजह से मस्त हो गया। अब आ जाओ कुलचे की वजह से, सॉफ्ट कुलचे हैं बिल्कुल, फ्लफी से देख सकते हो आप, है ना। ये बाइट बनाते हैं, छोले लेते हैं और अब खा के देखते हैं ना। मज़ा आ रहा, फ्लेवरफुल है, मिर्च के साथ खाने में असली मज़ा आएगा, है ना। देखो ये छोले कुलचे खा के ना मुझे ना दिल्ली के कुलचों की याद आ रही है। दिल्ली में जिस तरह के छोले कुलचे मिलते हैं ना हर जगह पे, उसी तरह के फ्लेवर्स हैं कुछ, मगर ट्राई सिटी में इस तरीके के छोले कुलचे मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ और बहुत मज़ेदार आ रहे हैं। आप भी यहाँ पर आइएगा और यहाँ पर ट्राई ज़रूर करिएगा भैया के पास, मज़ा आएगा आपको भी, है ना। तो आज हम कहाँ आए हैं, हम आए हैं सेक्टर 11 पंचकुला में और यहाँ पे भैया क्या एड्रेस होगा यहाँ का? नियर बाई मैकडी, मैकडी के पास ही है। तो 11 सेक्टर में दोस्तों पंचकुला में ना मैकडी के ठीक सामने भैया लगाते हैं दोपहर में लंच टाइम में मेरे ख्याल से। वैसे टाइमिंग इनकी 10 बजे से शुरू हो जाती है मगर 4 बजे तक ही रहते हैं। तो आके इनसे छोले कुलचे और इनकी राइस ज़रूर ट्राई करिएगा, वो भी बड़ी मज़ेदार थी। तो चलिए ये सारी चीज़ें मैं फिनिश करता हूँ, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी और ट्राई सिटी की ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ना रिकमेंड जरूर करिएगा कि हम कहाँ जाके इस तरीके का खाना ढूंढ सकें और आपको दिखा पाएँ, है ना। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। तो अभी के लिए दोस्तों इजाज़त दीजिए, मैं थोड़ा ना पेट पूजा कर लेता हूँ और आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।